आई राइज एन वेलकम टू एमबीज मैन केव एंड हैप्पी न्यू ईयर और साथ में हैप्पी क्रिसमस हैप्पी गुरुपुरप्पी दिवाली हैप्पी रिपब्लिक डे हैप्पी होली भाई जो पिछला रह गया था वो अभी पहले कर रहा हूँ आप लोगों को विश और जो आने वाला है वो भी थोड़ा एडवांस में कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा <laughs> मुझे पता है मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मुझसे बहुत नाराज़ हो और बनता भी है बहुत वैलिड है यार आ, पिछले कुछ टाइम से रेगुलरली वीडियोज़ में नहीं डाल पा रहा हूँ Uh, एक वीडियो आता है उसके बाद बहुत लंबा गैप हो जाता है इट्स बीन अ वाइल्ड की रेगुलरली वीडियोज़ आ पाए एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दोस्त फॉर देट गर्ल्स पिछले कुछ टाइम से मैंने जैसे बताया आप लोगों को पहले कि थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा था बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में जो जिनकी वजह से वीडियोज में नहीं बना पा रहा था इट्स नॉट दैट कि टाइम नहीं मिलता था टाइम मिलता था बीच में बट यू नो जब वीडियोज़ बनाता हूँ ना मैं तो वो आपके और मेरे बीच की एक कॉन्वर्जेशन होती है जो दिल से निकल के आती है और वो आई थिंक माइंडसेट में ही नहीं था मैं कि वो वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए उन उस वीडियोस को जस्टिस दे पाऊँ बट थैंकफुली दैट टाइम इज़ नाउ बिहाइंड मी एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गेट बैक इन टू माई ग्रूप नाउ एंड उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है वो आप लोगों को जाता है यू गाइज ब्रॉट मी बैक विथ सो मेनी मैसेजेस विद सो मच ऑफ सपोर्ट आई एम नाउ रेडी टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ अगेन बट खैर न्यू ईयर हो गया है भाई न्यू ईयर शुरू हो गया है कैसा रहा आप लोगों का थर्टी फर्स्ट दिसंबर मुझे बताइए कमेंट्स में क्या किया कितनी कहाँ का पार्टी करी आप लोगों ने भाई बताओ हमको भी हम साथ हमारे साथ भी शेयर करो आ, कितने लोगों ने ग्लास सर पर रख के बॉबी डेवल की तरह डांस किया ये मुझे ज़रूर बताना अगर वीडियोज है तो वो भी शेयर करो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया करो यार हम भी देख लें थोड़ा सा खुश हो जाए भाई का पार्टी वार्टी कर रहे हैं Uh, और क्या रेजोल्यूशंस रखी हैं आपने अपने न्यू ईयर पर ये भी बताओ मुझे ड्रिंकिंग हैबिट्स से रिलेटेड भी कोई रेजोल्यूशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड रेजोल्यूशंस हैं बताइए मुझे कमेंट्स में शेयर करिए मेरे भी बहुत सारी रेजोल्यूशंस हैं भाई थोड़ा वेट वापस बढ़ गया है मेरा तीन चार किलो वापस कम करना है और कम करना है पहले से भी uh, एक रेजोल्यूशन जो मेरी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो मेरे लिए ज़रूरी है दैट आई हैव प्लान टू मेक एटलीस्ट वन वीडियो वीक फॉर यू गाइस आई नो आई नो कि एक हफ्ता ऑलरेडी निकल चुका है इस साल का उसे भूल जाओ बट आने वाले आने वाले हफ्तों में आई विल ट्राई कि एटलीस्ट एक वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊ एक से ज्यादा भी कोशिश करूंगा बट एक तो हंड्रेड परसेंट एवरी वीक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके लिए वीडियो आए ही आए आ, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो मुझे ताकि थोड़ा और कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ से कुछ अलग तरीके का कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे इस साल सो फॉलो मी ऑन ऑन इंस्टा एज वेल खैर आगे बढ़ते हैं अब मेन चर्चा पे आते हैं आज हम बात कर रहे हैं कामिकारा रम यानी कि हमारी रम डायरीज की शुरुआत हो रही है विद्र्यू रम इन द इंडियन मार्केट देर वॉज दे हैज बीन अ टाइम कि कोई नई रम इंडिया में आई हो uh, एक अच्छी एक्साइटिंग रम uh, वही पुरानी घृसी बैठे ब्रांड्स लेके बैठे रहते हैं नॉट दैट कि वो बुरे ब्रांड्स हैं बट आई थिंक दिस इज वेरी एक्साइटिंग एंट्री इन द इंडियन मार्केट फ्रॉम पिकाडली पिकाडली इज द ग्रुप जो इससे पहले इंद्री सिंगल मॉल्ड विस्की इंडिया में ला चुके हैं uh, और आप लोग देख ही नहीं पिछले कुछ टाइम से इंद्री विस्की काफी सक्सेसफुल रही है नॉट जस्ट इन इंडियन मार्केट बट इन ओवरसीज़ मार्केट एज वेल मेरे अंकल आंटीज आंटीज भी बीती हैं हमारे यहाँ पे यार जब मुझे बताते हैं कि दैट इंद्री हैज बिकम देअर फेवरेट विस्कीज आउटसाइड इंडिया So, एक अच्छी पॉपुलैरिटी गेन करी, करी है इंद्री विस्की ने इंडियन एंड ओवरसीज मार्केट में और उसी कंपनी से अब आई है ग्राउंड ब्रेकिंग रम इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रम स्पेशली फॉर टू रीजन पहला रीजन वो ये है कि ये जो रम है ये शुगर केन से तो बनी है लेकिन मोलासिस से नहीं बनी ये बनी है शुगर केन जूस से टिपिकली जो एक रम होती है नॉट जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इवन जो कैरेबियन रम होती है वो बनती है मोलासिस से जो कि एक लेफ्ट ओवर सब्सटेंस होता है जब शुगर केन जूस को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बचता है जिसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता उसे हम मोलासिस कहते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है अगर हमने च्यवन प्राश खाया ना कभी तो च्यवनप्राश में बहुत ज्यादा मोलासिस होता है सो इट्स सिमिलर टू दैट बट उसी से उसी को डिस्टिल करके रम बनती है टिपिकली बट दिस इज मेड फ्राम शुगर किन जूस नॉट फ्रॉम मोलासिस ये जो रम बनाने का स्टाइल होता है ये भी होता है बट दिस इज टिपिकली इन फ्रांस फ्रेंच रम जो होती है वो ज़्यादातर शुगर के इन जूस से बनाई जाती है जिसको हम रम एग्रीकोल कहते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आई रोडली कॉन्ट फाइंड आई कूड नॉट फाइंड एनी रम इन इंडिया जो इससे पहले शुगर के इन जूस से बनी हो सो दिस इज ट्रूली अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट Uh, क्या डिफरेंस होता है टेस्ट में इन दो तरीके के रम्स में वी विल ऑफकोर्स फाइंड आउट आपको मैं बताऊंगा अभी डिटेल में जो सेकेंड रीजन है इस जो इस रम को अलग बनाती है वो है कि इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स या आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज नहीं करा गया है यस नो आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर यूज इन दिस रम इसका प्राइस है अराउंड 1300 हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड इन इंडिया इन डेली एनसीआर मार्केट तो इट्स नॉट दैट कि बहुत लाइक इट्स चीप एंड ऑफ द रम थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर रम्स आई वुड से दैट इट्स स्टिल फेयरली प्राइस बिकॉज इट्स अ ट्रू रम एंड विद नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड स्पेशली नो आर्टिफिशियल कलर्स जी हाँ ये जो कलर है इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है थ्री ईयर्स के लिए इसे एज कराया गया है अब आप सोचेंगे कि यार तीन साल तो कुछ भी नहीं होता हम देखते हैं वहाँ पे सेवन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स वाली रम भी आती है पच्चीस पच्चीस साल वाली रम भी हजार रुपये से कम में मिल जाती है सो so, ये जो एक चीज़ है ना ये क्लैरिटी आई थिंक बहुत जरूरी है एज कस्टमर्स एज कंज्यूमर्स हमें समझना जरूरी है कि जो दूसरी रम्स मिलती है मार्केट में जिसमें सेवन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स लिखा होता है क्या सच में वो सेवन ईयर्स हैं क्या उसमें सच में लिखा हुआ है सेवन ईयर्स ओल्ड या फिर ये बताने की कोशिश करी गई है कि उस रम को सेवन इयर्स एज रम के साथ ब्लेंड करा गया है यानी कि कुछ रम जो है वो न्यू रम है फ्रेश रम है और उसके बाद कुछ सेवन इयर्स रम ओल्ड रम के साथ उसे मिक्स करके ब्लेंड करके उसे बनाया गया है और उसके बाद उसमें कितनी परसेंटेज फ्रेश रम है कितनी परसेंटेज सेवन इयर्स वाली रम है कितना उसमें फ्लेवर्स डाले गए हैं इन चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं होती सो एंड डोंट फॉरगेट कि इंडिया में जो एजिंग का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है इंडिया इज़ अ हॉट कंट्री इट हैज़ हॉट क्लाइमेट तो यहाँ पे वन इयर्स ऑफ एजिंग इन इंडिया इज इक्वल टू रफली अराउंड थ्री टू फोर इयर्स इन स्कॉटलैंड तो ये थ्री इयर्स की जो रम है वो ऑलमोस्ट नाइन टू ट्वेल्व इयर्स के आसपास है अगर हम इसको स्कॉटलैंड के एनवायरमेंट से स्कॉटलैंड के वेदर से कंपेयर करें और आप देख सकते हैं कि तीन साल एजिंग के बाद भी इसका जो कलर है इट हैज़ अ वेरी नाइस कॉपर गोल्ड डार्क कॉपर गोल्ड कलर विच मीन्स दैट कि वुड के साथ इसका अच्छा कॉन्टैक्ट रहा है इट हैज मेचोर्ड फेयरली वेल सो दीज आर दू रीजन्स वाई आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस चाहे ये रम अच्छी हो या ना हो बट एटलीस्ट इंडियन रम इंडस्ट्री को एक स्टेप आगे लेकर जा रही है एंड दैट्स वे वॉन्ट कि हम मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जस्ट लाइक सिंगल मॉल्ट और भी जो प्रोडक्ट्स हैं एंड जिन ऑल्सो इंडियन जिन इंडियन सिंगल मॉल्ट इंडियन बियर्स एज वेल आई थिंक एक उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर अपने आप की अपनी प्रेजेंस दिखाई है और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि दूसरे और प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडिंग रम वो सेम स्टेप फॉरवर्ड लें खैर ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती है सुनने में अगर रम भी अच्छी हो सो दैट्स वट वी नीड टू फाइंड आउट वन थिंग विचाल से दैट की बॉटल काफी सुंदर है इसकी uh, इससे पहले भी कामिकारा ने एक रम लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ कामिका ओनली बट दैट वॉज अ ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड रम यस ट्वेल्व ईयर्स एज्ड इन इंडिया बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में थी वो राम uh, और अभी भी कहीं ना कहीं आपको शायद मिल जाएगी स्पेशली अगर आप गुड़गांव में जाते हैं तो इफ यू फाइंड इट आई वुड से डेफिनेटली इट्स वर्थ ट्राइंग आउट बट दिस इज देयर मास रिलीज थ्री ईयर्स ओल्ड में चलिए लेट्स डू समेरी नाइस ऑन द नोज देर आर नो मेडिसिनल नोट जो एक टिपिकल मोलासिस बेस्ड रम में आते हैं इट्स वेरी वेरी फ्रेश ऑन द नोज इट हैज शुगर सिरपी एक कैराम जैसा एक नोज एक नोजिंग में आ रही है मुझे अब बिट ऑफ वनीला देर इज इट वनीला इज नॉट रिली दैट अप फ्रंट जैसे दूसरे और डार्क रम्स में आता है एंड अगेन इट मोस्टली फील्स आर्टिफिशियल इसमें एक वनीला का नोट जो आ रहे हैं बट इट्स वेरी वेरी

वी ऑन द नोज एट ऑल चलिए लेट्स डू समेस्टिंग वाहली माल ये वाह वेरी नाइस इट्स इट्स लाइक अ धूप में बैठे हो आप सर्दियों में और एक जो सर्दियों के अंदर एक जो चमकती हुई धूप होती है ना आपको जो वॉर्म देती है वैसा वॉर्म दिया है इसने इट हैज़ अ वेरी नाइस बिगनिंग जब स्टार्ट होती है जब आप अपने पहला सिप लेते हैं इट गिव्स यू दैट वेरी सटल स्वीटनेस इट्स नॉट हैवी ऑन द स्वीटनेस थिंग स्वीटनेस साइड अ बिट ऑफ ट्री सैप यू कैन फील इट ऑन द टंग हैज़ दैट स्लाइट शुगर केन दैट फ्रूटीनेस टू इट बट एट द सेम टाइम दैट दैट शुगरीनेस Uh, and that subtle spices that kick in later on. I think this is a very nice sipping rum. It's. Yeah, I mean, it's so pleasant to sip. It goes down so smoothly. One of the most smoothest liquids that I have consumed, especially in this budget. आई डों थिंक मैंने इससे पहले कोई भी ऐसी ऐसा लिक्विड पिया है विद इन दिस प्राइस रेंज अंडर फिफ्टीन हंड्रेड जिसको मैं कह सकूं कॉन्फिडेंटली दैट आई वुड बी हैप्पी टू ड्रिंक इट जस्ट नीट आई थिंक दैट स्पीक्स क्वाइट अ लॉट आई थिंक दैट्स द मेजर पॉइंट फॉर मी दैट्स वन वे ऑफ जजिंग अ प्रोडक्ट कि क्या मैं उसे इजिली सिप यू नो नीट सिप कर सकता हूं एंड टिपिकली आई डोंट आई डोंट एक्सपेक्ट इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स के साथ कि वो नीट पिए जा सकते हैं बट दिस इज़ वन गुड रम एंड डोंट कंपेरिड विद प्रोडक्ट्स लाइक यू नो अदर रम्स दैट आर अवेलेबल एंड आम नोट नॉट टेक एनी नेम्स बट जो अंडर वन थाउजेंड वाली रम्स हैं उसके साथ इसे कंपेयर मत करिए ड्रिंक इट इंडिविजुअली विदाउट कंपेयरिंग इट बट यू कैन कंपेयर विद प्रॉबली अदर रम्स जो इस प्राइस रेंज में आती हैं क्योंकि इंडिया में और भी रम्स आ गई हैं इस प्राइस रेंज में जैसे कि टू इंडीज़ है अमृत की एंड आई वुड प्रॉबली लाइक टू डू अ अम्पेरिजन बिटवीन द टू आई डोंट नो इफ आई हैव द बॉटल ऑफ टू इंडीज और नॉट बट आई थिंक दिस इज जेन्यूनली अ गुड रम एंड आई एम एक्साइटेड कि ये रम मार्केट कैसा रिस्पॉन्स देती है इस रम को एंड नॉट जस्ट इन विद इंडियन रम्स आई थिंक इट विल बी बी इट विल एन इंटरेस्टिंग कम्पेरिजन विद इंटरनेशनल रम्स एज वेल आई थिंक इट हैज द कैलेबर to be compared with those international rums and I'm not just saying it I think try करिए मुझे बताइए मुझे कि कैसी लगती है आपको अगर आपने try करिए तो मुझे बताइए कि uh, how did you like it I feel that this is yeah I mean this has to be one of the best rums India has ever produced uh, I really don't think uh, कि ज़्यादा comparisons हैं ज़्यादा competitors हैं इस rum के at this point and I hope कि वो future में आई कंपेटिटर्स मोर एंड मोर कंपनीज गेट इन टू दिस यू नो दिस फील्ड दिस जॉनरा ऑफ रम स्पेशली शुगर केन जूस रम बिकॉज दिस इज़ अ फेंटास्टिक प्रोडक्ट ट्राई करिए इसे आई थिंक यू कैन ड्रिंक इट नीट और इफ़ यू वॉन्ट यूज इट इन कॉकटेल्स इट विल गो वेरी नाइस मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई करी है पहले तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे बताइए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल पर सब्सक्राइब करिए मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए पियो पैच पियो